दोस्तों, लॉकडाउन के चलते देश में आई मंदी की वजह से सभी बैंकों ने अपनी सभी स्कीम पर ब्याज दरों में कटौती की है। इसमें अगर एफडी की बात करें तो एफडी पर पहले ही देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि एसबीआई ने मार्च महीने में एफडी पर ब्याज दरें घटाई थी, पर अब फिर से एसबीआई ने मई महीने के बाद 12 मई को ब्याज दरों में कटौती की है। तो दोस्तों, ऐसे में म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी लोगों ने पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड में काफ़ी पैसा लगाना शुरू किया था, लेकिन हाल ही में आई मंदी की वजह से कई स्कीमें बंद होने और रिटर्न में आई बड़ी गिरावट की वजह से निवेशकों ने अपना पैसा तेज़ी से निकालना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे में कई एक्सपर्ट फिर से एफडी में पैसा जमा कराने की सलाह दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एफडी में इन्वेस्ट करना की सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्मॉल फाइनेंस एफडी पर अधिक ब्याज ऑफर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन बैंकों के बारे में जो विभिन्न अवधि के लिए अन्य बैंकों की तुलना में ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला जो बैंक है वो है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें आपको 36 महीने यानी कि 3 साल की एफडी पर 9% से 9.5% तक का ब्याज दर मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्याज दर है। दोस्तों, इसमें जो दूसरा स्मॉल बैंक है वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें आपको 1555 दिन की एफडी पर 8.25% से 8.75% तक का ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, इसमें जो तीसरा स्मॉल बैंक है वो है उत्कर्षण स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें आपको 777 दिन की एफडी पर 9% से 9.5% तक का ब्याज दर मिल रहा है। दोस्तों, इसमें जो लास्ट है, जो चौथा स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें आपको 888 दिन की एफडी पर 8.25% से लेकर 9.85% तक का ब्याज दर मिल रहा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अन्य बैंकों की तरह इन्हें भी रिजर्व बैंक की निगरानी में तय नियमों के अनुसार चलाया जाता है। तो दोस्तों, इन स्मॉल फाइनेंस बैंकों में आपका पैसा सेफ भी रहता है और आपको ज़्यादा ब्याज भी मिल रहा है, जहां आप अपने पैसों पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप आपके मन में कोई अगर सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।